नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल संजीव कुमार गुप्ता पर आपका स्वागत है। आपके प्यार का खजाना बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के पार हो गया है। अगर आप इस चैनल की पहली वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो आपके बॉक्स तक तुरंत पहुंचे। इस बार इस चैनल पर हॉर्स राइडिंग और घोड़ों के पालन की सीरीज शुरू हो रही है और हमारा साथ देंगे शनि महाराज श्री सावरमल जी, जो कि शनि भक्त हैं और साथ ही साथ बचपन से ही घोड़ा पालन करते आ रहे हैं। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल के निवासी सावरमल जी घोड़ा प्रेमी, ट्रेनर, बीडर हैं और साथ ही साथ घोड़े का बिजनेस भी करते हैं। उम्मीद है इन जिंदा दिल और हसमुख सावरमल जी से हम और आप कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, जिससे फायदा होगा। और अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो इस जानकारी के बारे में है कि लोगों को घोड़ा लेना चाहिए या घोड़ी लेनी चाहिए, और उसमें फिर और भी कई बातें होती हैं, तो सावरमल शनि महाराज जी हमें गाइड करेंगे कि किसको क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। बताएं सावरमल जी कि कोई भी घोड़ा खरीदता है तो घोड़ा खरीदे या घोड़ी खरीदे? देखो, पहला काम तो शौक होता है अपना, किसी के घोड़ी का शौक है तो किसी के घोड़ा का। और वैसे खरीददार होना चाहिए तो घोड़ी का ही होना चाहिए। अच्छा, और घोड़ी घोड़ी खरीदेगा फिर वो घोड़ी घोड़ा कहाँ से आएगा उसके? तो घोड़ा का भी शौकीन है, घोड़ी का भी शौकीन है, और चढ़ने के लिए तो घोड़ा का होना चाहिए। चढ़ने के लिए, सवारी के लिए लाओ ना, कोई भी घूमने के लिए तो घोड़ा लाओ, और जैसे धंधा बिजनेस के लिए लाओ तो फिर घोड़ी लाओ। घोड़ी लाओ तो घोड़ी, जैसे 12 महीने अगर सही बढ़िया घोड़ी होती है और टाइम पे उसको घोड़ा दिखा देंगे तो वो 12 महीने के अंदर 2 बन जाएगी। सही बात है। और घोड़ा तो 1 रहेगा और उसको खुराक नहीं देंगे तो वो 1 का भी आधा हो जाएगा। ये बात है। तो घोड़ा घोड़ी दोनों को खरीदना चाहिए, दोनों खरीदना चाहिए। और फिर अपना शौक होता है, बैठ घूमने के लिए तो घोड़ा अच्छा रहता है घूमने के लिए। पर क्या घोड़ा मतलब इसमें क्या 2 बातें हैं क्या कि भाई, एक तो कोई नया नया आदमी है तो उसको घोड़ी घोड़ों में कुछ एक चुनना चाहिए कोई अलग कि भाई मैं कुछ भी ले ले, या फिर ऐसा भी हो? नया आदमी होता है कभी भी तो उसको घोड़ा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि घोड़ा लेने से क्या होता है कि नया आदमी उसमें जानकारी तो रहती नहीं है और घोड़ा जवान होएगा, जवान हो गया, जवान होने का मतलब वो अपने पूरी जवानी आ गई, जवानी आ गई, तो घोड़ा तो बदमाशी करेगा, बदमाशी करेगा, शैतानी करेगा, और शैतानी करेगा तो वो नया आदमी तो डरपेगा उससे, उसे कंट्रोल कैसे करेगा? तो फिर उसको खोलेगा भी नहीं और गलत बंदा रहेगा। फिर मास्टर को बुलाएगा तो मास्टर भी आएगा तो हर मास्टर घोड़े को फेरता नहीं है, फेरता नहीं है, जानकार होगा घोड़े का, वो ही घोड़े को घुमाएगा, घोड़ी को फेर लेता है, घोड़ी को तो हर मास्टर अनाड़ी भी घोड़ी को पकड़ सकता है, और खुद भी अगर वो घोड़ी कूल भी रहती है, ठंडी भी रहती है तो वो ज्यादा परेशान भी नहीं करेगी। घोड़ी को कितनी भी खुराक खिलाओ तो घोड़ी शैतानी नहीं करेगी, शैतानी नहीं करेगी, शैतानी करेगी तो इतनी करेगी घंटा दो घंटा। अगर घोड़ा अगर पाल लिया और 2 साल का 2.5 साल का बच्चा बढ़ गया और तगड़ा हो गया तो उसके फिर वो शैतानी छा जाती है। तो इंसान में और घोड़े में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो जैसे इंसान जवानी हो जाती है वैसे घोड़े की जवानी हो जाएगी तो घोड़ा तो फिर शैतानी करेगा ही करेगा। और जो जानकार है वो तो कुछ भी खरीद ले, जानकारी होती है घोड़ा की, घोड़ों की जानकारी है, घोड़ी की जानकारी है, वो तो फिर घोड़ा ही खरीद ले, दिमाग से घोड़ा भी ले सकता है, दोनों भी ले सकता है, घोड़ी भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और कंट्रोल करेगा वही घोड़ा रखेगा। अगर कंट्रोल उसके पास नहीं है तो वो घोड़ी लेगा, घोड़ा नहीं लेगा, घोड़ा नहीं लेगा, घोड़ा तो वही लेगा जिसकी हिम्मत हो घोड़े की बराबर। वो बदमाशी कर रहा था, वो धनी भी बदमाश घड़ी बराबर जब वो घोड़ा चलेगा, और बदमाशी से बदमाशी दबती है, शैतान से शैतान दबेगा, उस हिसाब से घोड़े को तो रखेगा, तो जो सवारी हो उसी घोड़े को फिराने वाला हो, घुमाने वाला हो, उसको रोज मेहनत करने वाला हो, वो घोड़ा लेगा। और बाकी घोड़ी क्या होती है कि वो बदमाशी कम करती है। अगर बिजनेस चलाना हो तो घोड़ी ले ले, बिजनेस करना हो उसको आगे बढ़ना हो तो फिर वो घोड़ी ले, तो खुद के पास घोड़ा नहीं है तो दूसरे से घोड़ा ले, घोड़ा ले,
लगवा लो और गोली 12 महीने के अंदर बच्चा दे देगी, बच्चा दो चाहिए तो क्या क्या फायदा हो जाता है उसको, क्या ये फायदेमंद बिजनेस है घोड़ी घोड़ों का? घोड़ी घोड़ा एक कोई गणित बताओ, कोई गणित बताओ कुछ, जैसे रुपयों में, रुपये में गणित का ऐसा है कि घोड़ी मान लो 1,00,000 रुपए की घोड़ी खरीद ली, 1,00,000 रुपए की ले ली अपने, तो 1,00,000 रुपए की घोड़ी ले ली तो उससे सावा के अंदर भी जाएगा वो, सही ढंग की बढ़िया घोड़ी होगी तो सावा करवाएंगे, सावा करवाएंगे ब्याह शादी तो उसमें उसको 2,000-5,000 साई के मिलेंगे, तो आपका खुद का भी गुजारा चलाएगा और घोड़ी को भी खिलाएगा। फिर वो घोड़ी को अगर घोड़ा दिखा दिया तो घोड़ी 12 महीने का एक बच्चा या बच्ची दे देगी, तो ज्यादा भी नहीं तो 15-20 हजार का वो बच्चा बच्ची बिक जाएगा, तो उसके चारा पूछ का वो आ गया तो उसके वो घोड़ी नुकसान नहीं की और फिर दूसरी साल दिखा देगा, तो ऐसे घोड़ी तो उसको सारेगी और घोड़ा रहेगा तो वो सारने का काम ये है कि घोड़े को भी वो घुमाएगा जब तो वो सारेगा और उसको खड़ा ही रखेगा, तो उसको शादी ब्याह में यहाँ तो चलती नहीं है, मगर जैसे गुजरात है अपने महाराष्ट्र है उन एरियो में घोड़े की वैल्यू ज्यादा है, शादी ब्याह वहाँ घोड़ा भी ब्याह शादी में लगते हैं और यहाँ भी घोड़े बग्घी में लगते हैं, मगर घोड़ा हर आदमी नहीं लेता, घोड़ा तो वही लेगा जो उसकी जानकारी हो, ताकि अपने इसको पालेंगे तो 12 महीने बाद में अपने वो पढ़ाई लिखाई करवा के इसको बेच देंगे जी, या इससे ब्याह शादी में नाच कूद करवा के कमाई कर लेंगे, वो आदमी घोड़ा लेगा, और नहीं घोड़ी लेनी चाहिए कोई भी जानकार हो ना, या अपना परिवार को पालना है तो वो घोड़ी रखेगा, घोड़ी से घर का दारिद्र भी दूर होता है और घर के अंदर शांति भी रहती है, शांति भी रहती है। और फिर इसको सूर्य पुत्र कहते हैं, तो सूर्य भगवान के दर्शन हो उसी हिसाब से इसके दर्शन करने से ही रोग कटता है। वाह वाह, ये बात है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।